हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ व्हील्स आई के बारे में कि व्हील्स आई का जो ऐप है ना उसमें क्या क्या सर्विस मिलता है, कैसे कैसे चलता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं इसके बारे में बता रहा। उससे पहले आप लोग अनुरोध है कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा जिससे आप लोगों का हेल्प हो। मेरा जो लक्ष्य टारगेट है कि मार्केट में जो फ्रॉड हो रहे हैं ना उनसे बचाया जाए, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना फ्रॉड कर रहे हैं, तो जो मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है कि मार्केट से फ्रॉड को ही बचाना है। तो उसमें मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए और ऐसे भी हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे बनाऊंगा। अभी इसके लिए आप लोगों का ही हेल्प लगेगा मुझे, जिसके लिए आपको कुछ मुझे देना नहीं है, सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पे को देख उसको लाइक कर देना है। आप एक वीडियो देख के करेंगे तो भी मेरा कुछ होगा, चलिए ठीक है। आपको वो सब्सक्राइब कर, जिसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, उसके बाद आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना आपको रेगुलरली मिलते रहेगा, डेली टू डेली मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं वीडियो में लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि इसका व्यू कैसे होता है, कैसे कैसे ऑपरेट करता है, क्या क्या है इसका। तो अभी मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ इसमें डैशबोर्ड में व्हील्स आई का जो ओपन होता है, उसको जहाँ ऊपर दिखाता है कस्टमर का मोबाइल नंबर जिसके थ्रू पूरा डेटा लॉगिन होता है, तो इसी के थ्रू पूरा डेटा आपको दिखाएगा, यही डाल के OTP डाल के आपको लॉगिन करना है। तो फिर आगे मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेन्यूज में ऑप्शन दिख रहे हैं, तो एक एक करके मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं चल रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ बाय नाउ पे, तो बाय नाउ में क्या क्या है वो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अभी ये ओपन करता हूँ मैं बाय नाउ, तो इसमें अभी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है बाय नाउ में। तो ये ओपन कर लेता हूँ अभी मैं बाय नाउ, बाय नाउ ओपन किया, इसमें देखिए बाय न्यू GPS ऑप्शन है और बाय न्यू फास्टैग, दो चीज़ का ऑप्शन है यहाँ पे, और उसके नीचे अभी है रेफर अर्न। अभी हम चलते हैं रेफर और अर्न में, और रेफर अर्न में क्या क्या वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसको हम ओपन किए और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अपने जानकारी के ट्रकों में GPS लगवाएं और 2 महीने का रिचार्ज GPS रिचार्ज फ्री पाएं, मतलब इसको रेफर करते हैं आप WhatsApp के थ्रू रेफर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये 2 महीने का GPS का रिचार्ज फ्री मिलेगा। तो ये मतलब आप रिचार्ज आपको 2 महीने का बेनिफिट है अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। उसके बाद GPS में चलते हैं, वहाँ पे इशू में चलते हैं, तो अगर आपको कुछ इसमें सर्विस में इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे टिकट जनरेट कर सकते हो, तो इसमें आपको दिखाएगा टिकट स्टेटस क्या है और डायरेक्ट कॉल करने का ऑप्शन था, तो 2 ऑप्शन था यहाँ पे सारे, आपके कौन से ट्रक के थ्रू करना है वो आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो अभी हम GPS ओपन करते हैं, GPS में क्या क्या वो देख लेते हैं, GPS में क्या क्या है वो सारे फंक्शन में देख लेता हूँ। तो इसमें देखिए GPS में है, तो GPS में एनालाइज करने का रिपोर्ट चीफ है, ड्राइवर है, सारे चीज़ ऑप्शन हैं। तो अभी मैं एनालाइज में कर गया, यहाँ पर देखिए गाड़ी का टोटल डिस्टेंस कितना था, वो 111 किलोमीटर वो दिखा रहा है, टोटल 32 लीटर डीजल कंज्यूम किया है वो दिखा रहा है, गाड़ी नंबर क्या है वो दिखा रहा है आपको, और यहाँ पे 111 किलोमीटर चली है, टोटल फ्यूल 32 लीटर कंज्यूम हुआ है, 3.5 मतलब 3.5 का कुछ एवरेज माइलेज जो है वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि मतलब क्या माइलेज दी है आपकी ट्रक। तो ये काफ़ी अच्छा है गाड़ी मालिकों के लिए। उसके बाद फिर मैं रिपोर्ट चीफ में चलता हूँ, रिपोर्ट चीफ में ये गाड़ी है आपका रूट दिखाएगा, प्ले रूट मतलब कहाँ कहाँ गाड़ी चली, कौन कौन से रूट पे चली है, ये पूरा हिस्ट्री इसमें दिखाएगा, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं कभी अन डिमांड कस्टमर को रिक्वायरमेंट पड़ा या किसी को पड़ा तो। यहाँ से पार्किंग करने का ऑप्शन है और गाड़ी को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, तो ये गाड़ी का भी हम लोग एक गाड़ी नंबर है जिसको हम देखते हैं गाड़ी कहाँ पे है अभी, वो देखिए दिखा रहा है टोटल कितना 20 किलोमीटर चले, तो वहाँ पे है 20 किलोमीटर शायद, ये क्या कंफर्म का शायद 20 किलोमीटर दूरी पे है, तो वो दिखा रहा है, उसको अभी हम ओपन करते हैं। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है ये देखिए, यहाँ पे जो है ना ये रेड रेड जो दिखा रहा है ना, इसमें दो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है फिल्टर करने के ऑप्शन होते हैं, तो आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या उसमें आप एनालाइज करना चाहते हैं, किस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। सॉरी, ये जो मैं 20 किलोमीटर दिखा रहा था ना वो टुडे मतलब कितना किलोमीटर चली है ना आज वो दिखा रहा था, तो और कहाँ से कहाँ गाड़ी चली, क्या क्या चली ना वो भी, कहाँ करंट लोकेशन गाड़ी का, देखिए भिवंडी में दिखा रहा है, पूर्णा के आसपास कहीं गाड़ी है तो वो लोकेशन पे दिखा रखा है, उसके आसपास कितने पुलिस स्टेशन हैं और कितने पेट्रोल पंप्स हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है पूरा। तो ये हर गाड़ी मालिक के लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि वो मतलब अच्छा 10 किलोमीटर का रेडियस यहाँ पे दिखाता है पूरा,
10 किलोमीटर के रेडियस में कितने पेट्रोल पंप है, कितने फ्यूल के मतलब पंप्स हैं और कितना पुलिस स्टेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रहा है। पूरा मैप मैप को डायरेक्ट हो रहा है ना, मैप से चीज़ें डायरेक्ट दिखा रहा है। तो और भी आगे क्या क्या है वो सारी देखिए। अभी मैं इसको जूम करके देखा कि एग्जैक्ट गाड़ी कहाँ पर है, तो वो एग्जैक्ट मतलब दिखाएगा एग्जैक्ट कहाँ पर और नियर बाई क्या है वो दिखा रहा है कि गाड़ी कैलाश नगर, वहाँ पर कुछ पेट्रोल पंप है वो दिखा रहा है पास में। तो सारे पेट्रोल पंप से शायद इसमें नहीं दिखाते, जो लिस्टेड होते हैं ना वही दिखाते हैं, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। थोड़ा सा मतलब सारे पंप दिखाते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि जो लिस्टेड पंप हैं इनके साथ वही दिखाते हैं, इस पर जिसपे ये लोग जाके डीजल ले सकते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट देखने का आता है मतलब नेविगेशन की, कहाँ कहाँ पर गाड़ी चली, कौन कौन से रूट के थ्रू गए, शेयर करने का ऑप्शन, व्यूआल पंप्स कितने वो दिखाएगा, मतलब सारी चीज़ें दिखाएंगे नेविगेशन, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सा रूट है। और यहाँ पे हम कौन से डेट तक का हमको डेटा चाहिए ना, वो डेट यहाँ से हम सेलेक्ट करके पूरा डेटा फिल्टर कर सकते हैं कि उसमें गाड़ी कितना किलोमीटर चली है, कहाँ पे गाड़ी कितना मतलब देर तक रुकी है, और वो जहाँ पे रुकी गाड़ी वो जो नेक्स्ट गाड़ी रुकी उसके बीच में कितनी दूरी थी और क्या स्पीड थी, ये सारी चीज़ें मतलब कहाँ गाड़ी जा रही थी, कौन कौन से रूट पे गई थी, एग्जैक्ट लोकेशन देखे जैसे इसमें दिखा रहा है ओल्ड ब्रिज प्रेस पास ओल्ड आगरा रूट पे गाड़ी रुकी तो वहाँ पे दिखा रहा है, फिर ट्रेवल फार कहाँ के लिए ट्रेवल की आगे के लिए वो दिखा रहा है, मतलब ये एक अच्छा है कि मतलब गाड़ी वाले के लिए कि एग्जैक्ट हर चीज़ें प्रॉपर मिल जा रही है कि कितना किलोमीटर गाड़ी चल रही है आपके, कहाँ कहाँ पर कहाँ पर ट्रैफिक था कहाँ पर नहीं ट्रैफिक था, जैसे ड्राइवर कहीं जाता है कुछ होता है तो ड्राइवर गाड़ी मालिक को अपनी बेवकूफ नहीं बना सकता, ये काफ़ी अच्छा हो गया है। और क्योंकि पहले ड्राइवर लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते रहते थे, गाड़ी मालिक बेचारे परेशान हो जाते थे, बोल घर पे रहते थे बोल देते यहाँ फंसा हूँ वहाँ पर, बहुत ऐसे सारी एक्टिविटीज़ होती थी ड्राइवरों के द्वारा। तो इसके बाद अभी चलते हैं यहाँ से इसके बाद ड्राइवर्स में, तो जहाँ से आप अपने जितने भी ड्राइवर हैं ना उनको आप ऐड कर सकते हैं, उसमें गाड़ी असाइन करने का भी शायद से ऑप्शन होता है कि कौन सा ड्राइवर कौन गाड़ी चलाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ से डन करके आप गाड़ी अपना ड्राइवर ऐड कर सकते हैं, जिसमें ड्राइवर के डिटेल भी हो जाते हैं। तो ये अभी इनके गाड़ी की डिटेल्स हैं यहाँ पे देखिए दिख रहा था, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ड्राइवर जो असाइन रहेगा उसको डायरेक्ट कॉल जाएगा, फिर और दिखाता हूँ आगे। उसके बाद आता है कस्टम पेमेंट, तो कस्टम पेमेंट में क्या है वो भी दिखा देते, देखिए कस्टम पेमेंट क्लिक किया तो यहाँ पे इंटर अमाउंट करके, जैसे आपको कुछ पेमेंट है 5,000 है आपको 2,000 करना, 2,000 लिख के आप कर सकते। उसके बाद ये आ गया सब्सक्रिप्शन देख लीजिए क्या दिखा है, GPS सॉफ्टवेयर है, प्लान कब तक वैलिडिटी है वो दिखा रहा है, GPS हार्डवेयर का है वो सारी डिटेल्स दिखा रहा है। अभी इस पर क्लिक करके आगे बढ़ा तो अभी देखिए 12 मई 2027 का वैलिड है, GPS हार्डवेयर का विद इन वारंटी टिल 12 मई 2024 की वारंटी में है, डिवाइस टाइप क्या है नॉन AIS ये है इनका जो IMEI नंबर है डिवाइस का वो है, और डिवाइस का मॉडल क्या है वो है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिवाइस की हिस्ट्री दिखा रही है। तो उसके बाद अभी फिर चलते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स एंड चालान में देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए डॉक्यूमेंट्स चालान में यहाँ पे जो मतलब कोई चालान है गाड़ी के ऊपर तो जो वो दिखा रहा है, तो यहाँ पे इनके गाड़ी पे कोई चालान नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है, इसलिए नो पेंडिंग जैसा गाड़ी नंबर डिटेल दिख रहा है। और भी गाड़ी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, जो इनकी गाड़ी थी ना उस पर कोई चालान नहीं है तो यहाँ पे दिखा दिया नो चालान। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट में चलते हैं क्या है भाई, अब माई ऑर्डर्स, तो माई ऑर्डर्स में दिखा लेते हैं क्या क्या दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो माई ऑर्डर्स में जाने के बाद देखिए गाड़ी का जो इनका हिस्ट्री ना वो पूरा दिखा रहा है कि GPS का फास्टैग का लोड का तीनों का हिस्ट्री क्या है। ये फास्टैग यहाँ पर रिचार्ज करने का ऑप्शन है, ये फास्टैग नहीं लगाए हैं, सिर्फ फास्टैग रिचार्ज करने का ऑप्शन है। तो आप कोई भी गाड़ी नंबर डाल के और कौन से बैंक का ये फास्टैग है वो डाल के आप यहाँ से डायरेक्ट रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि विलदाई होना, किसी भी बैंक आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं फास्टैग। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन इनके पास है। और उसके बाद है और फास्टैग के बाद फास्टैग था, उसके बाद लोड है, तो ये लोड्स में जो गाड़ी वाले हैं ना उनके लिए लोड्स भी देते हैं। तो आपको जब इनके ऐप में दिखाता है कि कहाँ से आपकी गाड़ी है तो कहाँ से कौन से रूट पे लोड अवेलेबल हो दिखाएगा, प्रोग्राम की जानकारी देखें तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको पूरा डिटेल बताएगा, जैसे नीचे देख रहा है लोड एक अवेलेबल है, कहाँ मेरठ से कहाँ से दिखा रहा है वो लोड अवेलेबल है, ये मतलब आपको पूरा वहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरी हिस्ट्री दिखा देगा कहाँ से क्या मटेरियल है क्या क्या पूरी सारी जानकारी दे देगा। और इसका पेमेंट टर्म वगैरह देखिए क्या ये भी दिखा रहे हैं कि 80% एडवांस 20% बैलेंस है, गाड़ी खाली होने तुरंत बाद देते हैं, GPS होना ज़रूरी है, बिना GPS के लोग आपको ऑर्डर नहीं देंगे। तो जो भी गाड़ी मालिक है उनको लोड भी यहाँ से अच्छा खासा मिल जाता है।
और एडवांस पर 80% गाड़ी खाली होने के बाद तुरंत 20% आपको बैलेंस मिल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे ट्रिप की हिस्ट्री पूरा दिखा रहा है। देखिए सिर्फ NCR से, दिल्ली NCR से लोड देते हैं, 499 रुपये में 1 साल की सदस्यता देते हैं, जिसमें आपको फ्री लोड लेते हैं। शायद अगर सदस्यता ले रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, तो आप कुछ चार्ज नहीं करेंगे। 6000 प्लस लोड 1 महीने में ये लोग मतलब देते हैं प्राइम सदस्यों के लिए, रेगुलर लोड उनकी लेन पर, जो आपकी गाड़ी का लेन है ना उस पर ये लोग आपको प्रॉपर लोड देंगे, ऐसा बोलने का मतलब जो इनके। उसके बाद यहाँ पे देखिए कस्टमर्स के रिव्यू हैं, इनके कस्टमर्स के रिव्यू हैं वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। तो लोड के लिए भी एक तरह से अच्छा है। पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको करना है नीचे 499 जोड़े और पेमेंट करें, तो ये आप यहाँ क्लिक करके पेमेंट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फास्टैग नोट्स के साथ बिग सेविंग ऑन डीजल, सॉरी डीजल का था, तो डीजल पे आप लोग क्या 1.5 गारंटी कैशबैक पर आपको 2 मंथ, 2 मंथ तक, 2 मंथ तक आपको 1.5% कैशबैक देता है। और 5% 5 लाख रुपये, 5 लाख का क्या ये ड्राइवर का इंश्योरेंस है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, एक अच्छा है, ड्राइवर के लिए इंश्योरेंस मिल जाता है। तो रिसीव कैशबैक आपके वैलेट में मिलेगा कैशबैक, और इसके लिए आपको रिचार्ज करना होगा मोबाइल, जब डीजल डलाने जाएंगे ना तो आपको एक आपका मोबाइल नंबर जाएगा, इंटर OTP करके कंप्लीट पेमेंट OTP आएगा, OTP करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मेक सेफ एंड सिक्योर सिक्योर पेमेंट्स थ्रू ऐप, मतलब इस ऐप के थ्रू पेमेंट आपका सेफ और सिक्योर है, ऐसा बोलने का मतलब है इनका। गेट इंश्योरेंस ऑन द ड्राइवर एंड हेल्पर सीट, मतलब ड्राइवर और हेल्पर दोनों के लिए इंश्योरेंस मिलता है। तो 24 आवर्स फ्री है इनका, जो भी कुछ कंसल्टेशन है तो फ्री है, मतलब ऐसा बोल देते हैं, वो तो सब फ्री तो सबका ही होता है। और इसके और अब यहाँ पे देखिए ये दिखा रहे हैं डीजल प्राइस पूरे भारत के, हर स्टेट का क्या डीजल का रेट है वो यहाँ पे दिखा, आंध्रा में क्या है 99 रुपये 16 पैसे वो भी दिखा रहा है, आसाम में क्या है वो भी दिखा रहा है, गोवा में क्या है, गुजरात में क्या है, हरियाणा में क्या है, कर्नाटका में क्या है, केरला, मध्य महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र में 93 रुपये 23 पैसे वो भी दिखा रहे हैं, मेघालय में क्या, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में 90 रुपया है, उत्तराखंड में 89 रुपये हैं, तो हर जगह के 87, पंजाब में 87 रुपये हैं, 84 कहाँ का तो 84 रुपये भी दिखा रहा है, मेघालय में 84 रुपया है, तो हर जगह का जो डीजल का रेट वो भी दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के और अच्छे अच्छे लेके आते रहूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आ पाऊँ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो, आप फ्रॉड से भी आप लोग बचें। तो मुझे चाहिए आप लोगों का हेल्प, कृपया आगे आएँ और हेल्प करें, जिससे मैं मेरा भी थोड़ा हौसला हो जाए और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कर पाऊँगा।